अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडिटर्स। तो आज का ये वीडियो सीरियसली सबसे अलग होगा, क्योंकि हम ये इसमें जो DIY करेंगे वो बिल्कुल नेचर से चीज़ें उठाएंगे और उससे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिट्टी से पेंट। जी हाँ, आपने सही सुना है, सॉइल से हम यहाँ पे पेंट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप गार्डन से कोई भी सॉइल उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसको अच्छे से किसी स्ट्रेनर की हेल्प से उसको अच्छे से छान लीजिए, ठीक है। जो भी आपका ऐसा पाउडर वाला पार्ट बचना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आप निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस पाउडर को हम एक कंटेनर में डाल देंगे। अब इसमें चाहिए ग्लू, ठीक है। ग्लू आपको अच्छे से डालना है, बिल्कुल इससे ही इसको मिक्स करना है। और थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी जो है थिक लगे तो थोड़ा इसमें पानी डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करिए, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और अगर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है ना तो आप 2-3 ड्रॉप इसमें पानी के डाल सकते हैं। और इस कंसिस्टेंसी का एक बहुत प्यारा, एकदम आपका ये जो पेंट का जो टेक्सचर रहेगा बहुत प्यारा सा एक लुक आएगा, आप किसी पे भी करिएगा। तो अब हमें चाहिए स्टोन, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं कैंडल होल्डर, ठीक है। तो ये स्टोन आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये बालू में पड़े रहते हैं, अगर बालू नहीं तो आपको कहीं से भी नदी वगैरह से मिल जाएगा। अब इसमें मैंने कॉटन को अच्छे से लगाया है और उसके ऊपर अच्छे से फेविफिक्स या कोई भी हार्ड ग्लू लगा लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एमसील का यूज़ कर सकते हैं या फिर मोल्डेड क्ले का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ग्लू गन से इसको नहीं लगाइए, तो ये निकल जाता है बाद में। और अब ये जो हम लोगों ने पेंट बनाया था, बहुत प्यारा सा एक बोहो पेंट आप इसको बोल सकते हैं, इस तरह का गाँव देहात में इस तरह का पेंट किया रहता है मिट्टी से, बहुत प्यारा सा एक टेक्स्चर आएगा, ठीक है। इसको कम्प्लीटली पेंट कर दिया, अब मोल्डेड क्ले का यूज़ करेंगे ऊपर में, जहाँ पर हमें कैंडल अपनी रखना है, मतलब टी लाइट जो रखना है हमें, उसके लिए हम यहाँ पे एक होल्डर टाइप बना लेंगे, ठीक है। तो इससे से आप इसको कर लीजिए और फिर इसे ऊपर के साइड पे हमें लगाना है, लेकिन पानी से ही आप इसको चिपकाइए, बहुत अच्छे से चिपक जाता है, ग्लू का यूज़ मत करिए। ये बहुत प्यारा एक ना क्लासी सा कैंडल होल्डर बन के रेडी होगा, और बिल्कुल कुछ भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया। और ये जो सॉइल वाला मैंने पेंट बताया ना, बहुत प्यारा, इससे कोई भी बोहेमियन अगर आपको लुक चाहिए तो इसका पेंट कर लीजिए। तो इस तरह से मैं दो बना रही हूँ, एक छोटा बना लिया मैंने सेम इसी प्रोसेस से और एक बड़ा। अब हल्का सा इसको ना मुझे ना एंटीक लुक देना था, थोड़ा सा विंटेज काइंड ऑफ, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने ना टील ब्लू का यूज़ किया और हल्का हल्का ब्रश स्ट्रोक्स दिए मैंने, बहुत ज़्यादा पेंट भर के नहीं लगाया। मैंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा बना देना जो कि सबको मिल जाए एकदम आसानी से, ठीक है। तो मिट्टी तो हर कोई के घर में मिल ही जाएगी और आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्टोन का, ठीक है। ये भी आपको कहीं ना कहीं पड़े हुए मिल ही जाते हैं। आप अगर ध्यान दीजिएगा ना तो कोई भी वेस्ट चीज़ ना वेस्ट नहीं होती, उससे आप कुछ ना कुछ रिवैम्प कर ही सकते हो उसका, आप उसको उठा लो और कुछ ना कुछ उससे बन ही जाता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ। मैं गई थी एक फॉल यहाँ पे है, तो वहीं से मैंने ये वाला पत्थर जो है ना स्टोन में लेके आई थी कि इसका कुछ बनाऊंगी। अब हल्का हल्का गोल्डन मेटालिक पेंट से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। और ये मेरे पास ये पर्ल रखी हुई थी हाफ बीट वाले स्टिकर्स, तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, तो मैंने ना पहले तो इसे लगा के देखा, लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तामझाम भी किया इसको थोड़ा सा, मुझे ना इसका कलर बहुत अच्छा वैसा नहीं लग रहा था, थोड़ा येलो टाइप का कलर लग रहा था, तो इसको मैंने पूरे पे इस तरह से लगाया। और लगाने के बाद ना मैंने इसके ऊपर क्या किया कि थोड़ा सा गोल्डन मेटालिक पेंट भी लगाया, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ऐसे इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाद में मैंने इसको निकाल के और इस पर ना गोल्डन फॉइल लगा दिया, तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो चलिए इसके ऊपर टी लाइट, आप कोई सी भी कैंडल रखिए और इसे जलाइए, और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम लोगों ने इसे ना स्टोन से बनाया है, बेकार पत्थर से बनाया है, आपको ये पत्थर कहीं भी फेंके मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाइएगा, ठीक है। फिर मैं चलती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मतलब क्या देखना है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, और मुझसे जो भी हो सकता है पॉसिबल अगर हुआ तो मैं वैसे DIY बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मुझे ये लगा कि इस बार मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो नेचर से रिलेटेड हो, कुछ हम यूज़ कर सके जो हमारे पास चीज़ें, तो उससे मैंने बनाया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।